आज हरिदास जी की मगरी में नाई की गवरी आज अपने हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली है। तो हमारे नाई की गवरी प्रसूत है, अच्छी अच्छी रमती है। बिल समाज की गवरी है, आदिवासी समाज अच्छी रमती है। बिल्कुल हरिदास जी की मगरी में आज लोटपोट कर देंगे, खुद खुश कर देंगे। सुंदर सुंदर साफा पहने और आज हमारे बुआ जी शांता भाई आज गवरी एक से बढ़कर एक। हाँ, पीर मारा नहीं, मारा पीर है, मारा माता जी, मारी माई राधिराज ने पामना कीधा है, मारी माँ रानी गोरिया रानी ने, खेड़ा देवी ने, मामा देव ने, 33 करोड़ देवता मारे घरे पामना कीधा। शांता भाई मारो नाम है, गोती मारी भोगर है, मारे घरे पधारना कीधा, माधिराज ने पामना कीधा है। जो खूब आदिवासी बिल समाज को और जहाँ जगह मतलब बहन को आई हो, जहाँ जगह मतलब सगा जगह हम रमते हैं और अच्छी तरह खेल करते हैं आदिवासी का। आपने जो परंपरा के यो गवरी का मेरा नीत है और ये गवरी खेलते हैं, ये गवरी खेलते हैं। गवरी में ऐसी विविधता है कि आज बिल समाज की गवरी को लोग बाग बहुत पसंद करते हैं, गवरी देखने के लिए आते हैं बहुत सारे निवेलिए। ठीक है, हाँ। तो देखो गवरी का आज मंचन होना है, गोरखिया माता जी आ चुके हैं और आज और गवरी माने सवा महीनों पूरा रमे और माता जी सवा महीनों हो गया बाने निकला लगर है और प्रभु जी थोड़ी सी हमारे गवरी में मतलब हरी चीज़ कुछ भी नहीं चलती है, हरी चीज़ कुछ भी नहीं चलती है और घर गवरी हमारा निकली हुई है तो कहीं भी मतलब यहाँ से नाई से निकली है तो कहीं दूसरी जगह जाती है तो वही रहती है गवरी और दूसरे देवल के वही रहती है और इसमें जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ भी मतलब व्यवस्था नेता लोग से कुछ सब जनों से सहयोग करें और मंदिर परिसर सब सही बनवाएं। ये गवरी है, ये गवरी है जो हम ये विश्व कल्याण के लिए करते हैं, ये गवरी है जो हम पेड़ों को बचाने के लिए और हरे पेड़ कुछ भी काटते नहीं है, कुछ भी मतलब हरी सब्जी हरी चीज़ कुछ भी खाते नहीं है और इसमें यूँ हमारे हरी चीज़ कुछ नहीं चलती है, देवी देवता के पूरा सब गवरी है। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को बचाने की बात करती है। जैसे माँ सबरी बिल्लू राणा एकलव्य माँ पुरुष जैसे माँ पुरुषों की स्मारक होना भी माँ मेवाड़ में जरूरी है जिससे हमारी पहचान मिले हमें। जय श्री राम। स्मारक बनने से हमारा सब आदिवासी भाइयों का मिलन होता है, हम एक दूसरों की पहचान पाएंगे, हम एक दूसरों को समझ पाएंगे, हम इन सनातन धर्म को जीवित रखेंगे। की परंपरा से हम अच्छे नाचते हैं खेलते हैं, हमारे लिए सब भाइयों बहनों और हमारे ना हरी सब्जी खाते हैं ना कुछ पीते हैं, सवा माह ये रखते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे समाज के लोग सब आमंत्रित करते हैं, सब बुलाते हैं हमको, सब नचाते हैं कुछ करते हैं, तो बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों ये है आदिवासी भील समाज कम्युनिटी की गवरी नृत्य जिसका हम पूरा ये इस नाट्य मंच का आयोजन करते हैं। ये 8 सालों के बाद गवरी लिए और 8 सालों में आप जानते हैं कि आदमी कितना कुछ भूल जाता है लेकिन फिर भी ये याद रखते हैं। गवरी वापस लिए, हम वो भूल भी गए थे, वो फिर वापस हमने सोच समझ कर वापिस हमने ये काम किया था, गवरी खेल रहे थे। कितने दिन दिक्कत आ रही थी? दिक्कत 10 दिन 10-10 दिन आई थी दिक्कत, फिर बाद में प्रोग्राम चालू हो गया सब। कुछ बोलने में भी आ रहा था? हाँ, सब बोलने में समझने में सोचने में एकदम रेडी, अभी तो परफेक्ट है। अभी भी 2 दिन और बचा है हमारे लिए, तो अब देवी देवता का काम है तो करना ही पड़ता ना, माता जी का काम है। हम माता जी मेहमान कब होते हैं, कोई 10 साल ही गुजर जाते हैं, कोई 12 साल ही गुजर जाते हैं। हम तो फूल जी के वहाँ खेल चुके हैं, नादेश्वर महादेव 6-6 गौरिया में खेल चुके हैं और देवाली में खेल चुके हैं और यहाँ कुमार भट्टे खेल चुके हैं, सिटी में कई तरह खेल चुके हैं। हमारे गांव का छोरा होता वहाँ पे भी खेलने जाना पड़ता है, हमारे गांव समाज का ही 10-12 समाज का छोरा है। टोटल 135 लोग हैं, 135। ये तैयारी तो 2 साल पहले से हो रही थी कंचन की,
एक महीने से पहले से क्योंकि सुभाष सर्कल पर आज ये नई की गौरी जो है अपने मंचन जो है नाट्य मंचन करेगी और या भाई मिलकर इन गौरी का मंचन करते हैं। आप देख पा रहे किस प्रकार से आज सुभाष सर्कल पे आज ये नई की गौरी जो है मैं मोतीलाल खड़ा ग्राम पंचायत सिसारमा पूर्व सरपंच। जैसा कि आपको पता है कि अभी अपने गौरी का ये चल रहा है तो ये आप गौरी को एक मामूली चीज़ मत समझो क्यों ये एक अपने पुरखों के द्वारा एक प्रकृति को और संस्कृति को आपस में सामने में बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है जिसमें सभी लोग नियम की कड़ी पालना करते हैं और हरे पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नियम होते हैं और हम देख रहे हैं कि अभी आधुनिकीकरण बहुत हो रहा है जिससे गवर्नमेंट अपने उच्च लेवल पे इन क्षेत्रों में परमिशन हाई लेवल पर परमिशन दे के आदिवासियों के जंगल को उजाड़ रही है जिससे आप के परिणाम अभी भुगतने पड़ रहे हैं। जैसे कि आपको हर शहर के पास भी घरों में चीते घुस रहे हैं तो ये अगर अपन ने संस्कृति को नहीं बचाया है और इन आदिवासी लोगों को नहीं बचाया और इनको राजनीति के चक्कर में आपस में तोड़ा है तो भविष्य के अंदर बहुत से दुष्परिणाम होने वाले हैं जिसको सभी समाज को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ आदिवासी भी नहीं भुगा आने वाली पीढ़ियाँ वगैरह इस अगर संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो पूरा भुगतेगा सब लोग भुगतेंगे। तो मेरा हमारे जो भी बड़े बड़े सरकारें हैं तो ये भी निवेदन है कि हमारी जो आदिवासी की संस्कृति है उसको बढ़ावा और उसमें लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए ऐसी सरकार द्वारा समय समय पर कई कदम उठाने चाहिए जिससे ये संस्कृति को बचाया जा सके। और अगर ये संस्कृति नहीं बचाएंगे तो आज तो बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो मीणा समाज के हैं बील समुदाय के नहीं हैं वो तो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं तो हिंदू नहीं तो फिर ये अपन गौरी ले रहे हैं तो इसमें वो महादेव जी और पार्वती इसकी पूजा करते हैं और पूरे सवा महीने तक उपासना करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये सब कैसे हो रहा है। और सरकार हमारे भील समाज के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है जैसा कि हम माँ सबरी के वंशज माने जाते हैं और इनका स्मारक बनने चाहिए और आदिवासियों के उत्थान के लिए उन पुराने जो भी महापुरुष रहे हुए हैं रामायण काल से उन देवी देवताओं के भी जो भी है माँ सबरी है ऐसे एकलव्य है ऐसे जैसे कि बहुत से योद्धा हुए हैं जैसे आप जानते हो एकलव्य एक वो भी आदिवासी से संबंधित थे जिन्होंने अगर उनका अंगूठा अगर नहीं करता तो वो एक तरफ वो पूरे पांडव एक तरफ ऐसी ताकत थी उनमें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हमारी संस्कृति को बचाने और प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत कदम उठाने चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो भी आदिवासियों के महापुरुष रहे उनके भी एक सांकेतिक नहीं बनाकर एक बढ़िया भव्य स्मारक बनाया जाए हर ब्लॉक में जिससे लोग आकर्षित होकर वहाँ उनकी जानकारी लेने और घूमने के लिए भी आए जिससे वहाँ के आदिवासी लोगों को रोज़गार मिले। अगर हम जो भी सरकार बना रही है तो वो ऐसा नॉर्मल बना रही है जिससे कोई खाली चौराहे पर मूर्ति बैठा रही है। स्मारक एक अलग चीज़ होता है जहाँ एक बढ़िया प्रसिद्ध जगह होती है वहाँ गया जैसा कि आप जानते हो गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है बहुत सारे पैसे खर्च करके सरकार ने तो वहाँ जाने की हर लोगों की इच्छा होती है कि जानने की इच्छा होती है कि वहाँ जाएं और इसके बारे में जानें देखें कैसे बना। तो अपने आदिवासी अंचल में ऐसा कोई स्मारक नहीं है जिसको देखने के लिए जा सकते हैं। मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासी एक समुदाय है जिसमें आपस में हम की भावना होती है
हम की भावना का मतलब एक समुदाय होता है जिसके अंदर काका बाबा कुटुंब सारे लोग एक ही भावना की जुड़ी होती है हम की भावना। और जो इस आधुनिकीकरण के कारण एकीकरण होता जा रहा है, एकीकरण के अंदर तो सिर्फ बाप बेटा और बच्चे ही होते हैं जिससे समाज को बहुत भारी नुकसान है। और एक गौरी के अंदर एक एकता का बहुत बढ़िया संदेश दिया था जिसमें सारे लोग सवा महीने तक एक साथ रहते हैं, एकता बनाए रखते हैं जिससे यह एक समुदाय को एकता बनी रहती है। तो ऐसा उधरता जा रहा है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों के अंदर समुदाय विषय हम की भावना बनी रहे और ऐसा राजनीतिक वोटों के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र न रचे जिससे आदिवासी बिखरे भी है। तो गौरी ये नई गांव की है और आज यहां पर सुभाष सर्कल पे अपना मंचन कर रही है और सभी को हंसा हंसा के लोटपोट भी करती है। गौरी आज की सामाजिक दृष्टि, वैचारिक दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि सभी दर्शकों को जो है प्रमुखता के साथ दर्शाती है। अभी गोमा मीणा का ये खेल चल रहा है और आप देखें कि इसमें सभी कलाकार और गर्मी ज़्यादा तो भी गौरी का जो है आनंद ले रहे हैं। गोमा मीणा मंदिर में चोरी करने जाता है और तो सभी कलाकार बड़े अच्छे से सब तैयार होते हैं और कला का लगातार जो है उसमें वृद्धि होती जा रही है। आप देखें कि गौरी नृत्य सभी कलाकार अपने वेशभूषा में तैयार हो रहे हैं। ये हमारे ननिहाल की गौरी है इसलिए हमारा भी मन हुआ है कि हम भी इनका एक प्रोग्राम करवाएं। साल बाद इन्होंने गौरी ली है जो हमने भी सोचा कि एक थोड़ा नृत्य करने का मौका मिला है हमको। अब देखिए कि कलाकार यहाँ सब तैयार जो है यहाँ पे हो रहे हैं, किस प्रकार से ये पूरा नेतृत्व रहता है, सब एक दूसरे का देखो यहाँ कलाकार तैयार भी करते हैं और पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकियों से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। टोल गया है, मैं गौरी में आनंद ले रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लालू राम। क्या काम करते हैं? कारखाने का। चुनाई प्लास्टर करते हो? हाँ। और ये पूरा सवा महीना निकाला? हाँ, सवा महीना पूरा निकाला। मेरी बिल सम्मान की गौरी है, हम सब मिलके भाग लेते हैं इसमें। मेरा नाम पुष्कर है, हम मैं भी इस गौरी में भाग ले रहा हूँ। मेरा नाम बेरू है। बेरू जी आशीर्वाद। तो सभी कलाकार यहाँ मौजूद है और सभी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरी नृत्य का आनंद जो है वो ले रहे हैं। बाहर गौरी चल रही है और यहाँ कलाकार छोटे बड़े सब यहाँ मौजूद है। तो देखिए गौरी एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष ही जो है महिलाओं का किरदार निभाते हैं। चलिए नाम पूछते हैं गौरी गौरी शक्ल वाली। नाम क्या आपका? पुष्कर। पुष्कर गमेती नाइस है। कुछ नहीं, काम करते हैं, छोटा मोटा जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? हाँ, अपने मेवाड़ फैक्ट्री में। हाँ, और अभी ये 40 दिन निकाल दिए पूरे। हाँ, कल खत्म है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक है और मैं नाई से हूँ। किरदार क्या निभा रहे हो? अभी तो अंग्रेज बने हैं वैसे तो। अंग्रेज बने? हाँ। दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन? यस। तो परिदृश्य आप देख सकते हैं, गौरी में सारे ही पक्ष यहाँ पर मजबूत होते हैं
और किस प्रकार से यहाँ पर मंचन करते हैं। और हमारे फोटोग्राफर गणेश जी देखो यहाँ लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ पे और लगातार गौरी मंचन लगातार हो रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी दर्शकों का तांता चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है। तो आदिवासी जनजाति समाज इस गौरी का नृत्य करते हैं और देखें कितनी बड़ी संख्या में लोग इसका पूरा देखने का लुत्फ उठाते हैं। आप देख रहे हैं सुभाष सर्कल पे खेल रही है ग्राम पंचायत नई गांव की ये गौरी है जो मंचन कर रही है और जागरूकता के लिए ये खेल है जो पूरा मंचन जो है हो रहा है। मेवाड़ की इस नगरी में गौरी का अपना अलग ही महत्व है। गौरी सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज भी गौरी भीड़ जो है और ज़्यादा होने वाली है धीरे धीरे। कहाँ कहाँ बैठ कर गौरी का देखने का आनंद। जो आनंद है बड़ा ही सुंदर रहता है और किस प्रकार से यहाँ बच्चे और सभी नौजवान सब अपनी भागीदारी निभाते हैं। और आप देखिए दर्शकों का देखें जहाँ छाया मिली है वहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। सुभाष सर्कल पर ये ग्राम पंचायत नई की आदर्श गांव की गौरी जो है वो अपना नृत्य कमाल दिखा रही है। एक गौरी हम और देखने वाले हैं। कि आपस में आम बोलचाल में वार्ता भी होती है और काफ़ी ये समाज जो है वो भी करते हैं। नए गांव की गौरी है आज भी लोग पसंद करते गौरी चलनी चाहिए तो परंपरा पूरी आज भी मान भी समाज अतरो वो है गौरी खेलवरो सब ने बड़ा मंडी बोला यार। तो आप देख रहे हैं गौरी मंचन और गौरी नृत्य का जो ये आनंद है ये पूरा लिया जाता है। और जिस प्रकार से अलग अलग गौरी है अलग अलग जैसे जैसे संसाधन सबको मिलते हैं अलग अलग तरीके से खेलते हैं। ये देखिए लोग भाषाओं में हैं। हमारे सामाजिक हाजी गौरी एक हमारे सामाजिक खेल है। हमारा भाई बंद आज ही इस तरीके से रहते हैं कि गौरी एक हमारी परंपरा है। आज ही हमें कितनी मिल के खुशी से रमते ये गौरी बहुत हमारे बड़ा जज्बा है बहुत खुशी की बात है। आज हमारी प्रकृति और संदेश अच्छा प्रगोश कर रही है। गौरी हमारी परंपरा है।
गौरी अच्छे खासे से गौरी एक अधिकार तौर पे एक नाटक और खेल और घाव की तौर से गौरी एक अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। हमारे मन में बड़ी खुशी है कि हमारे भाई बहन लीलावती निखाने की और वो रखते हैं बड़ा लीलावती निखाने के ऊपर गौरी नाचते हैं, सवा महीना पूरा रखा रखते हैं। इस तरीके से खेल बहुत हमारी गौरी एक परम्परा चीज है। गौरी एक हमारी नई गाँव री गौरी है जो सुभाष सर्कल पे नाच रही है। इसी मेवाड़ सर्कल पे कई गौरी ऐसी है जो इसी परंपरा से नाच गायन गायन कर रही है। तो देख पा रहे किस प्रकार से गांव नई गांव की ये गौरी है और आज ये सुभाष सर्कल पे अपना मंचन कर रही है। तो गौरी एक लोक संस्कृति और लोक परंपरा का ये अनूठा परंपरा है जो कि आदिवासी परंपरा आदिकाल से निभाता आया है और आज भी इस परंपरा को जो है निभाया जा रहा है। इनकी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी हमें बहुत सारा प्रयास करना होगा। तो लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवित रखने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी ज़रूरी है। जिस प्रकार से आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है और संस्कृति लुप्त होती जा रही है, ऐसे में भी आदिवासी जनजाति समाज यहाँ गौरी के माध्यम से संदेश देता दिखाई दे रहा है।